तो खूबसूरत दिखने के लिए और अपनी जवानी को हमेशा कायम रखने के लिए लोग कितने ज़्यादा घिनौनी हरकत कर सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। और आज की कहानी में हम इसी को देखने वाले हैं, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है चाइना की बॉर्डर से, जहाँ पर एक लेडी मी एक लंच बॉक्स लेकर जा रही थी। वो उस लंच बॉक्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचाकर लाती है और वो अपने हांगकांग के घर में आती है। वो टिफिन पर रखे सारी चीज़ों को फेंक देती है, सिर्फ एक को छोड़कर, जहाँ पर ऑरेंज कलर का कुछ खाना रखा हुआ था। वो उस ऑरेंज फूड को कच्चा ही खाने लगती है। और फिर हम मिस ली को देखते हैं, जो कि पहले एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। मिस ली यहाँ पर मी का घर ढूंढ रही थी और उनको फाइनली मिस ली का घर मिल जाता है और मी उनको घर के अंदर बुलाती है। मिस ली यहाँ पर मी को कहती है कि वो 30 सालों से ज़्यादा की नहीं लगती है और मी बताती है कि उसकी जो असल उम्र है उसे जानकर उसे सब आंटी बुलाएंगे और वो भी चौंक जाएगी कि उसकी असली उम्र क्या है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस ली यहाँ पर मी की डंपलिंग्स खाने के लिए आई है, जो कि जवान बनाती है। दोस्तों, डंपलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि चाइना में बहुत फेमस है। हमारे इंडिया में भी उसे खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे मोमोज कहा जाता है। तो मोमोज और डंपलिंग सेम चीज़ है। मिस ली अब बस एक हाउसवाइफ है और उसे कहीं से पता चला था कि मी की डंपलिंग्स लोगों को जवान बनाने के लिए किसी भी महंगे कॉस्मेटिक से ज़्यादा फायदेमंद है। अपने पति को हमेशा पास रखने के लिए मिस ली के पास में यही एक उपाय था कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। फिर मी अपने डंपलिंग्स बनाकर मिस ली को खाने को देती है और उसका ये दवा था कि उसकी डंपलिंग्स लोगों के शरीर में जाकर उम्र बढ़ाने वाले सेल्स को ख़त्म करती है। अब पहला डंपलिंग मुंह में लेते ही मिस ली उसे उगल देती है और उस डंपलिंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था। मी उसे समझाती है कि वो डंपलिंग्स के बुरे टेस्ट के बारे में नहीं सोचें, वो बस अपने आने वाली खूबसूरत स्किन के बारे में सोचें और वो अपने फिर से जवान दिखने के बारे में सोचें। लेकिन वो फिर से जवान बनने के लिए अपनी आँखें बंद करके उन डंपलिंग्स को खाने लगती है। अब अगले दिन हमें देख पाते हैं कि मिस्टर ली यानी कि मिस ली का पति खूबसूरत और जवान लड़कियों के साथ में स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग के बाद में मसाई नाम की एक लड़की उसे मसाज कर रही थी और मिस्टर ली मसाई को गलत तरीके से टच भी कर रहे थे और उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा था। दूर खड़े होकर मिस ली अपने हस्बैंड की ये सारी हरकतों को देख रही थी, जिससे कि वो और भी ज़्यादा चिंता में आ गई थी, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस तरफ मी एक हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर एक डॉक्टर मी को उनका टिफिन लौटाकर कहता है कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसे नहीं मिल पाएगी। अब फिर उसी दिन मिस ली उन्हें डंपलिंग्स को खाने के लिए मी के घर में आती है। मिस ली मी से उन डंपलिंग्स की सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में पूछती है। मी बताती है कि वो अपने डंपलिंग्स में अनबोर्न बेबी को डालती है। मिस ली इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन वो किचन की दीवार पर कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मी अनबोर्न बेबी का एक छोटा सा टुकड़ा मिस ली को खाने को देती है, लेकिन वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जवान होने के लिए इतनी ज़्यादा तड़प रही थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उन डंपलिंग्स को बार बार वहाँ पर आकर खाने लगी थी। इस तरफ मिस ली मसाई के साथ होटल रूम में इंटीमेट हो रहा था और उसी समय मिस ली के कॉल करने पर वो बिजनेस मीटिंग में होने का बहाना बनाता है। अब अगले दिन घर पर मिस ली उनकी 15th मैरिज एनिवर्सरी के लिए उनको घर पर साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर ली मिस ली को बहुत सारे पैसे देकर इंजॉय करने का बोल के बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। अब फिर से मिस ली मी के घर पर जाकर वही डंपलिंग्स खाती है और खुद की शक्ल को वो आईने में देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। मिस ली के घर जाने के बाद में मी के घर पर कैट और उसकी माँ आती है। कैट के अपने ही फादर ने उसका रेप कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी और इस शर्मिंदगी की वजह से वो कैट को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी। इसीलिए कैट की माँ चाहती थी कि मी ही कैट का अबॉर्शन करे। केट 5 महीनों से प्रेग्नेंट थी और इतनी रिस्क होने पर मी इस काम को नहीं करना चाहती थी, लेकिन केट की मां की जिद के आगे बिना कोई डॉक्टर की डिग्री के मी को वो अबॉर्शन करना पड़ता है। अबॉर्शन के बाद में वो 5 महीने के अनबोर्न बेबी को मी अपने फ्रिज में रख देती है। इस तरफ मिस ली ये देखते है कि मसाओ मिस्टर ली के होटल रूम में चली गई थी और वो भी दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर। दिन ब दिन वो अपनी मैरिज को बचाने के लिए मिस ली और भी ज़्यादा टेंशन में आती जाती है। इधर मी के बुलाने पर मिस ली डंपलिंग्स के लिए मी के घर पर चली जाती है। मी जब किचन में डंपलिंग्स बना रही थी तो मिस ली चुपके से किचन में देखती है। उसे वहाँ पर 5 महीने का एक अनबोर्न बेबी दिखाई देता है, जिसे मी काटने जा रही थी, लेकिन ये देखकर मिस ली डर के वहाँ से भाग जाती है।
पर रास्ते में वो सोचती है कि अगर उससे अपनी शादी बचानी है तो उसे किसी भी हद तक जाना होगा। वो वापस मी के घर पर आती है और उसे डंपलिंग्स बनाते हुए देखने लगती है। फिर वो उन डंपलिंग्स को खाती है। तभी मिस ली को किसी का कॉल आता है जो कि उनके हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में उसे कहता है। मिस ली फौरन अपने पति के पास जाने के लिए निकल गई थी। मिस्टर ली के पास जाने पर वो मिस ली की खूबसूरती की तारीफ करता है और वहीं पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इस तरफ कैट और उसकी माँ बस में उनके घर की तरफ जा रहे थे और अचानक गलत ऑपरेशन की वजह से केट के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी थी। वो दोनों बस से उतर जाते हैं लेकिन रास्ते में ही दर्द की वजह से केट वहीं पर गिरकर मर जाती है। केट की इस हालत के लिए उसकी माँ खुद को ही कोस रही थी। और इधर मिस ली ने अपनी खूबसूरती सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों को पार्टी दी थी लेकिन उसके दोस्त मिस ली के शरीर से आ रही बदबू के बारे में बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मिस ली फौरन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और मी को कॉल करके कंप्लेन करती है कि उसने उसे क्या चीज खिला दी है जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ तक कि वो पुलिस को खबर देने की बात कहकर मी को धमकाती है। इधर दूसरे रूम के इंटरकॉम से मिस्टर ली ये सारी बातें सुन लेते हैं। मी फोन पर उसे जवाब देती है और मिस ली को शांत करने के लिए ये कहती है एक यंग गर्ल का अनबोर्न बेबी खाया है और इसीलिए सब कुछ एडजस्ट होने में उसे थोड़ा समय लगेगा। उसी रात को मिस्टर ली मी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने वो घुस जाते हैं। मी उसे बताते हैं कि वो बस एक डंपलिंग शॉप है और वहाँ पर मिस्टर ली को भी डंपलिंग खाने को देती है और उन्हें बताती है कि पहले के ज़माने में कैनिबलिज्म यानी कि इंसान के मांस को क्यों खाया जाता था, ह्यूमन मीट से किस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती थी और किस तरह ह्यूमन मीट से लोग जवान और हेल्थी रहते थे। पहले के योद्धा भी अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए एनिमी का खून पीते थे और वो मिस्टर ली के पास आकर उनको सेड्यूस करने लगती है। मिस्टर ली भी इसका फायदा उठाकर इंटीमेट होने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मी असल में 60 साल की है और ह्यूमन मीट की वजह से वो कभी भी बूढ़ी नहीं हुई थी। वे दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी मिस ली का कॉल आता है। वो मिस ली से उन्हीं डंपलिंग्स को मांग रही थी लेकिन मी फोन काट देती है। मिस्टर ली के जाने के बाद में मिस ली मी के घर के बाहर जाकर उससे वही डंपलिंग्स मांगती है लेकिन मी उसके लिए दरवाजा तक नहीं खोलती है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस ली को अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए कहते हैं और हॉस्पिटल में मिस ली मसाओ को भी देखती है और उसे पता चलता है कि मसाओ उसके हस्बैंड की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। मिस ली अब अपनी शादी को बचाने के लिए और भी ज्यादा पागल बनती जा रही थी। वो फिर एक हेयर सलून में मी से मिलती है। वो मी को डंपलिंग्स के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है और यहाँ तक वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए ऑफर करती है लेकिन मी उसे साफ साफ मना कर देती है जिससे कि मिस ली गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में मिस्टर ली कॉल करके मी को अपने पास बुलाते हैं। इधर दूसरी तरफ केट की माँ ने अपने पति को मार डाला था और आखिरकार उसने अपनी बेटी का बदला अपने पति से ले ही लिया था। मी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपना घर छोड़कर भाग जाती है। इस तरफ मिस ली मसाओ से एक डील करती है कि वो मिस्टर ली से भी ज्यादा उसे डबल पैसे देगी, वो बस उसका अनबोर्न बेबी उसे दे दे। मसाओ भी यहाँ पर 5 महीने से प्रेग्नेंट थी और मिस्टर ली उनका बच्चा चाहते थे लेकिन ज्यादा पैसे के लालच में मसाओ मिस ली के डील को एक्सेप्ट कर लेती है। अब फिर हॉस्पिटल में मसाओ को ऑपरेशन शुरू होता है और मिस ली डॉक्टर से कहती है कि वो मसाओ को बेहोश किए बिना ही उसके बच्चे की बॉडी को बाहर निकाल ले क्योंकि वो उस अनबोर्न बेबी को प्योर रूप से चाहती है। इधर दूसरी तरफ मी अपना सामान लेकर भिखारी के रूप में छुपते छुपाते शहर में घूम रही थी। मिस ली खूबसूरती पाने के लिए मसाओ के अनबोर्न बेबी को डंपलिंग बनाकर खाने वाली थी और वो उस अनबोर्न बेबी के टुकड़े भी कर रही थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में हमने मिस ली को देखा जो कि बहुत ही पैसे वाली और खूबसूरत थी लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बाद में उसका पति उसे नहीं चाहता था। वो अपने पति के साथ में रहने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे ना तो अपने ही पति की गलती दिखाई दी और ना ही ये कि वो किस घिनौनी चीज को खा रही है। वो जवान बनने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो मसाओ की लाइफ को रिस्क में डालकर उसके अनबोर्न बेबी को बाहर निकालकर खा गई थी। मी की भी जवान बनने की भूख ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। पुलिस से बचने के लिए वो अब अपने जवान फेस को किसी के सामने दिखा भी नहीं पाएगी। अनबोर्न बेबी के ह्यूमन मीट ने उनको जवानी तो दे दी लेकिन उसे बहुत कुछ छीन भी लिया। उस मीट की वजह से मिस ली के शरीर से अब वो गंदी बदबू भी आने लगी थी। जवान और खूबसूरत होने के बाद भी उनके पास में अब कोई नहीं आएगा और वे दोनों कभी भी अपने नेचुरल एजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इसी के साथ में ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों आई नो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और घिनौनी मूवी है लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मूवी से ये सीख भी जरूर मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।